आचार्य प्रमोद कृष्णम आए दिन राहुल गांधी को टारगेट करते रहते हैं। एक बार फिर वो कांग्रेस सांसद पर भड़क गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी अपनी तीखी बातों में लपेट लिया। संभल पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। कहा राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों की इज्जत को, अस्मत को, अस्मिता को रौंद रहे हैं, बुलडोजर ने उनको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, कैसे वो इस तरह की बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भी उन्होंने चुटकी ली। कहा ये बेमेल निकाह है, तलाक भी जल्द हो जाएगा। बेमेल निकाह है, जल्दी तलाक हो जाएगा। बेमेल निकाह है, जल्दी तलाक हो जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल वरिष्ठ नेताओं की सोच पर सवाल उठा दिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक तौर पर बीमार बताया और कहा उन्हें अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दे डाली। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अखिलेश यादव जी जैसा नेता, शरद पवार जी जैसा नेता, ममता बनर्जी जैसी नेता, उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर लीडर अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। राहुल के साथ साथ पूर्व कांग्रेस नेता ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मायावती के इतने हितैषी हैं तो 2027 में उन्हें उत्तर प्रदेश में सीएम पद का चेहरा बनाएं। अखिलेश यादव जी ने महन मायावती जी की तारीफ की है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मायावती जी को बना दें, बहन जी को बना दें, हम समर्थन करेंगे। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ये पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी का नाम लेकर उन पर जुबानी तीर छोड़ रहे हों। इससे पहले भी वो कई बार उन्हें सुना चुके हैं, लेकिन आज तक राहुल ने उनके किसी बयान का जवाब नहीं दिया। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि क्या इस बार राहुल या अखिलेश दोनों में से कोई उन पर पलटवार करता है या नहीं।